दोस्तों, मैं आरजे सहगल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। तो आज हमारा जो है वो है डे थ्री। तो इससे पहले अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी डे टू की डे वन की, तो जाइए, वो मैं आई बटन में डाल दूंगा मैं अपनी वीडियो। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है, मैं कवर करूंगा शोल्डर और थाई पर। शोल्डर और थाई में इसलिए ऐड करवा रहा हूँ, बहुत से सोचेंगे कि भाई हमारी थाई क्यों ऐड करवा रहे हैं, हम नए हैं अभी, बिगनर्स हैं। तो थाई में हम ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करेंगे, और जो ऐड करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है आपको, ताकि आपके थाई लेके चलोगे तो आने वाले टाइम में आपको 2-3 दिन में आपकी थाई थोड़ी कवर करेगी, उसके बाद आप अच्छे से ट्रेन कर पाएंगे अपनी थाई भी और शोल्डर भी। तो हमारा क्या वर्कआउट होने वाला है, तो चलिए बने रहिए आप मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ आपको कौन सा वर्कआउट है। तो जो हमारा सबसे पहले होने वाला वर्कआउट, वो होने वाला है हमारा शोल्डर का वर्कआउट। तो अपने वर्कआउट की तरफ से बढ़ने से पहले, हमेशा सबसे पहले आप अपने स्ट्रेचिंग और वार्म अप जरूर करिए। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको स्ट्रेचिंग में क्या करना है और वार्म अप में क्या करना है। आइए मैं बताता हूँ आपको कैसे परफॉर्म करना है। हम सबसे पहले करेंगे स्ट्रेचिंग। तो आज मेरे ये राहुल भाई आएंगे जो आप सबको दिखाएंगे स्ट्रेचिंग और वार्म अप में क्या क्या करना है। चलो राहुल भाई, स्ट्रेचिंग करो पहले शोल्डर को, पहले सब बात। कफ की स्ट्रेचिंग करो अपने, सब बात सब बात। खींचो, होल्ड करो यहाँ पे, रोटेटर कफ चलाओ अपने, फ्री करो, सब बात। स्लो स्लो पीछे एंड डाउन। तो 5 से 10 बार ये करें आप, सब बात। आप थोड़ी जंपिंग करो वार्म अप, जंपिंग साइड, क्लैपिंग, एंड अप, नीचे डाउन, नीचे अप, सब बस। हाँ, ऊपर दो। तो 5 से 6 बार हम ये करेंगे, 3 4। एंड आफ्टर दिस, इसके बाद हम करेंगे हैमस्ट्रिंग और लोअर बैक को थोड़ी स्ट्रेच करेंगे। चलो सब बात, बस। तो और एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊंगा आपको शोल्डर वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले, अगर आपके जिम में बैंड है तो इस बैंड से तो हम ये स्ट्रेचिंग करेंगे, ताकि हमारे कफ वगैरह में इंजरी ना हो। चलो राहुल भाई स्लोली, हाँ सब बात, कफ को चलाओ बढ़िया से। 10 टाइम्स करेंगे हम, 10 बार नीचे लाओ पूरा आगे, यहाँ नहीं नहीं ज़्यादा नहीं, बस यहाँ से नीचे लाओ, सब बात। बस इससे क्या होगा, आपका रोटेटर कफ वार्म अप अच्छा हो जाएगा आपका इसका रोटेटर कफ से, और आपको इंजरी नहीं हो पाएगी। चलो तो आइए बढ़ते हैं हम अपने पहले एक्सरसाइज की तरफ, जो हमारी होने वाली है फ्रंट डंबल रेजिस। आपको क्या करना है, बिल्कुल लाइट वेट लेना है, 2.5 kg का। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे राहुल भाई भी 2.5 kg का डंबल लेके परफॉर्म कर रहे हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कैसे करिए एक्सरसाइज करनी है। चलो तो ये आपका अप इतना हो गया एंड डाउन, ये आपका हो गया एक सेट, सॉरी एक एक रैप हो गया आपका। चलो चलो सब बस, दो। आपको ज़्यादा ऊपर नहीं करना है, जैसे करते हैं मैंने देखा बहुत से यहाँ तक करते हैं, ये नहीं करना है आपको, बस। चलो सेम वही रखेंगे हम, 10 से 15 रेपिटेशन, जैसे मेरी पहली वीडियो में आपको समझाया है। बढ़िया, बहुत से देख, मैंने अपनी आपको एक चीज़ और समझाता हूँ, आप इसमें बहुत से क्या गलतियाँ करते हैं, अपना ट्रैप्स इन्वॉल्व करते हैं। तो दिखाना राहुल भाई, सिंगल सिंगल करो, सिंगल सिंगल। जैसे ही ट्रैप छोड़ते हैं तो हमें क्या करना है, ट्रैप्स पे नहीं करना आपको, स्ट्रेट रहनी आपकी बॉडी, नेक आपके सामने रहेगी फ्रंट में बिल्कुल। चलो
वन ऐसे। तो ये हमारा फ्रंट डंबल रैदीज। चलो तो अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या होने वाली है आपके लिए? तो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी, वो होगी डंबल साइड रैदीज। तो आइए दिखाता हूँ कैसे परफॉर्म करनी है। चलो राहुल भाई, ये जो आपकी एल्बो है, हमें क्या करना है, एल्बो से हिट करना अपना साइड रैदीज। बहुत से क्या करते हैं, बहुत आप ले लेंगे, ये देखिए जैसे आप देख पा रहे हैं, अपने ट्रैप्स पे जोर ना ले ज़्यादा। साइड रैदीज का मतलब हो गया साइड डेल्ट पे अपने, ये जो हमारे साइड डेल्ट होते हैं इन पे इफेक्ट आए, अपने ट्रैप्स पे ज़्यादा ना आए सब बस। और हल्का सा ट्विस्ट करना, जैसे आप देख पा रहे हैं हल्की सी एल्बो आपकी ट्विस्ट करनी है ताकि अपने साइड पे अच्छा वर्क होगा सब बस। वही करेंगे हम, दो साइड करेंगे इसमें भी, 10 से 15 रेपिटेशन। देख पा रहे हैं हम, जैसे आपको ओवरलोड नहीं करना है, आपको ओवर ट्रेन नहीं करना है, हैवी लिफ्ट नहीं करना है, ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी, क्योंकि आप अभी नए हो, ताकि आपके मसल में ना दिक्कत हो या आपके कफ में अगर प्रॉब्लम हो गई तो आप आज तो करो जिम, कल से जिम नहीं कर पाओगे, तो वो नहीं करना है। लाइट वेट जैसे मैंने बताया, बस फ्री करनी है आपको मसल। तो राहुल भाई, हम दो चार मिस्टेक की बात करेंगे इसमें, और मिस्टेक क्या कर सकते हैं लड़के, जैसे हमारे जिम में देखा ज़्यादातर आप लोग। चलो तो इसमें क्या करते हैं, हम ये सब करते हैं और अपराइट की तरह भी करते हैं, तो ये सब नहीं करना आपको। साइड रेज बिल्कुल सिंपल है आपने, हम स्टार्टिंग पोजीशन से आएंगे, ये होगी आपकी स्टार्टिंग पोजीशन। ये नए लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल नए जो हैंगे, बिल्कुल बिगनर्स जैसे हमारी। चलो ये आप, और ये जो हमारी ये होती है साइड, एक मिनट साइड माना इधर, जैसे कि मैं दिखाऊँ आपको। चलो ये हमारी जो एल्बो होती है ना, ये बिल्कुल हमारी इसका एंगल, ये बॉडी के बिल्कुल शोल्डर के सिधाई में होनी चाहिए एक तरह। और ये हमारी ये आगे की जो हमारी फोरम वगैरह एल्बो से नीचे का पार्ट हो गया, इसको आप हल्का सा आगे रखिए ताकि ज़्यादा लोड ना आए। बहुत से क्या करते हैं, बिल्कुल सीधे करके लगाते हैं, बिल्कुल सीधा लगाते हैं, तो ये नहीं करना आपको, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं करनी अपनी आर्म। इससे क्या होगा, आपके दिक्कत होगी शोल्डर में, कफ में, मैं आपको जैसे सेम बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो बस वैसे ही नॉर्मल ये साइड साइड रेस के मतलब हो गया आपकी जो ये एल्बो होती है, ये बिल्कुल ना ज़्यादा पीछे जाएगी ना आगे जाएगी बस ये। तो वही दो साइड करने हमें इसे आपके। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, और जो हमारी तीसरी एक्सरसाइज है वो होगी हमारी डंबल प्रेस। तो सेम वेट लेना है हमें 2.5 kg का, दो सेट 10 से 15 रेपिटेशन। तो चलिए राहुल भाई उठाइए, ये पोजिशन आप देख पा रहे हैं सेम, ये आपके जो डंबल हैंगे ये आपके ईयर तक रहेंगे बस, जितना आप देख पा रहे हैं आपके कान जो हैंगे यहाँ तक रहेंगे, ना आपको नीचे करना है ज़्यादा, ना बिल्कुल हाफ लगाना है रेंज। आप चलो आप ये देखिए, जहाँ तक आपके बस सिर्फ कान तक रहेंगे सब बस। अप एंड स्लो, आपको क्या करना है, स्पीड में नहीं करना है, बहुत से देखा है मैंने यहाँ से करते हैं स्पीड में, ये सब नहीं करना आपको। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, राहुल भाई थोड़ा ऊपर लो पीछे, हाँ अप हेड के ऊपर सब बस, ये अप एंड स्लोली डाउन ईयर तक बस, अप एंड डाउन सब बस ये 10 से 15 रेपिटेशन सब बस। तो हमारा शोल्डर का वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है, अब हम बढ़ेंगे अपने थाई की तरफ। हमारा थाई में क्या वर्कआउट होने वाला है, होने वाला है हमारा बॉडी स्क्वाट। हम इसलिए करेंगे आज कि आगे अगर 2-3 दिन बाद अपनी लेग्स ट्रेन करेंगे तो उसमें पेन नहीं होगा, आपकी लेग्स आज फ्री हो जाएगी, लेग्स की जो मसल है फाइबर है फ्री हो जाएंगे थोड़े आपके। और आपको मैंने ज़्यादातर लेग्स आपके यूँ ऐड करवा रहा हूँ ताकि आने वाले टाइम में आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि लड़के क्या गलती करते हैं, वो सोचते हैं भाई हम नए हैं, सर हम नए हैं, अभी हमें लेग्स ट्रेन नहीं करनी, हमें यहाँ पर मसल बॉडी बनानी है, तो उनको आगे चलकर लेग्स में उनके प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, लेग्स वो करते ही नहीं ट्रेन। तो हमें क्या करना है, शुरू से अपनी लेग्स पकड़ के चलनी है ताकि हम मजबूत रहें आगे के लिए, लेग्स हमारे अच्छे से ट्रेन हो। अब हमारी अगर लेग्स हम ट्रेन करेंगे ना तो हमारी अपर बॉडी भी अच्छे से ग्रो होगी जल्दी से। तो चलिए हम बढ़ते हैं लेग्स में। हमारा पहला सेट जो इसमें हम सिर्फ दो सेट करेंगे 10 से 15 रेपिटेशन ओनली। और जो हमारी लेग्स की पोजीशन होगी वो होगी हमारी जितने हमारी शोल्डर की चौड़ाई है। तो खोलिए पैर राहुल भाई थोड़ा, ये पोजीशन हो गई हमारी पैर, आइए दिखाना थोड़ा पास से आके,
ये और हमारे शोल्डर, आप जैसे देख पा रहे हैं दोनों इक्वल है। तो चलिए हम दिखाते हैं कैसे करने हैं आपको 10 से 12 रिपीट। हैंड आप आगे कर लेंगे आपको इजी रहेगा थोड़ा। चलिए डाउन, ये देख पा रहे हैं आप, आपके इसमें ना नी आगे नहीं आने चाहिए। आप उठिए एक मिनट, दिखाना जैसे मिस्टेक आप क्या करते हैं। ये ज़्यादातर मैंने देखा स्क्वाट ऐसे करते हैं आप, ये करना, ये नहीं करना आपको। आपको क्या करना है, उठिए, ये देख रहे हैं आप अपने, स्लो जाना, आपको स्लो जाना नीचे, ये डाउन एंड अप, कंट्रोल फॉर्म रहनी चाहिए आपकी। आपको हिप अपने पीछे करने हैं, चेस्ट आपकी अप होनी चाहिए, डाउन नहीं जानी चाहिए नीचे। चलिए करिए करिए, 1 2 3, आपको बस एक तरह से स्ट्रेच देना अपनी लेग्स में, सब बस। आपके ग्लूट्स भी इसमें स्ट्रेच होंगे, क्वाड्स भी होगी, सब बस बस उठिए। और आपको बिल्कुल है ना अपने घुटने एकदम अंदर नहीं करने, लो हल्का सा, ये देखिए मैं दिखाऊँ आपको, सब बस ऊपर आइए। ये गलती करते हैं ना आप, लेग्स अंदर कर लेते हैं बिल्कुल, अपनी नी आपको अंदर नहीं करनी। आपके फिर जो आपके नी है इसमें इंजरी होने की दिक्कत रहेगी, तो हमें इंजरी नहीं लेनी, हमें बस लेग्स आज स्ट्रेच करनी है, क्योंकि आपका अभी स्टार्ट ही करा है आपने जिम अभी। तो जाइए जैसे मैंने बताया आपको, बस आगे ये वो अप उठिए, ये लेग्स नी अंदर नहीं करनी हमें, बस। देखिए जैसे आप फॉर्म देख पा रहे हैं, आपको इसी में दो सेट करने हैं 10 से 15 रेपिटेशन। चलिए राहुल भाई 10 से 12 करके दिखा दीजिए आप, सब बस। यहाँ पे ब्रीद इन करनी है, एक चीज़ और, जब ऊपर उठेंगे आपको ब्रीद आउट करना है, इनहेल एंड आउट, इनहेल एंड आउट। आपको स्पीड में नहीं करना है, जैसे देख पा रहे हैं आप सेम आपको ऐसे ही करना है, हैंड आगे आपके, सब बस। तो जैसे कि हमारा लेग्स का वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है, आज हमारा डे 3 था, तो आज के लिए आपके लिए इतना ही था। कल हमारा डे 4 होगा, उसमें हम थोड़ा वर्कआउट ऐड करेंगे, थोड़ा अपनी टाइमिंग बढ़ाएंगे और अच्छे से परफॉर्म, मैं कोशिश करूँगा आपके लिए और कुछ बेटर ला सकूँ। और अभी तक अगर मेरा आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और कमेंट में आप ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा कमेंट में, किसी को कोई एक्सटर्नली मेरे से कोई क्वेरी हो तो वो कमेंट में छोड़ सकता है अपना मैसेज, मैं उसके लिए ज़रूर कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की, या उसके लिए कुछ अच्छा लाने की जो वो उनकी डिमांड होगी। थैंक यू।